नमस्कार कलेक्टर साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यह आपका एकदम ओरिजिनल आइडिया है तो आप गलतफहमी में हैं जनाब। ऐसे फरमान तो हमारे यहाँ बरसों से लागू हैं। अरे हाँ हाँ जनाब, बरसों से गिनाओ एक एक तो सुनिए। उदाहरण नंबर एक, टैक्सों की चोरी किन किन धंधों में होती है और किस किस तरह के लोग यह करते हैं, यह बात तो तकरीबन हर ऑफिसर और हर रहनुमा को मालूम है। मगर बजाय उनको हाथ लगाने के, सरकारी वसूली बढ़ाने का एक तरीका निकाला है। टैक्स लगने वाली आमदनी की सीमा को घटा के ज्यादा से ज्यादा लोगों को करदाता बनाने का, मतलब कम आमदनी वालों के लिए जो सुकून से चलने के लिए जो छोटा सा फुटपाथ मिला था उसे भी खत्म करके सड़कें चौड़ी करवाएंगे जरा। वाह, माफ करिए कलेक्टर साहब, आपका यह जो फरमान है आप ही को मुबारक हो। हम तो चलते हैं, आप रोकिएगा जाके उन लोगों को। कलेक्टर साहब एक बार गौर करिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं हम लोग। बहुत हो गया, चलते हैं।